अस्सलाम वालेकुम। इकरास किचन में आज हमने बनाई है मटन यखनी बिरयानी, इसे मटन यखनी पुलाव भी कहते हैं। और साथ में है प्याज, इसके फ्राई की हुई, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। ये कम तीखी बिरयानी होती है, इसलिए इसे चटनी के साथ या रायते के साथ सर्व किया जाता है। तो देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने मटन ले लिया है, ये 1 kg मटन है। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और दिखाते हैं। 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 2 लहसुन और 3 प्याज, 3 तेजपात के पत्ते हैं। हम यखनी बनाएंगे। पहले कुकर ले लेते हैं। कुकर में पहले गोश्त को डाल देंगे और सब चीज इसमें डाल देंगे। गोश्त को गलाने तक हमें पकाना है। तो इसमें सारी चीज डाल दी है और इसमें अब डालेंगे नमक। 1 चम्मच नमक डाला है और अब डालेंगे 1 लीटर पानी और इसको पकाएंगे 3 सीटी आने तक। देखिए 3 सीटी में गोश्त एकदम गल गया है, एकदम ऐसा गला हुआ होना चाहिए, ज्यादा टाइट ना हो। यखनी बिल्कुल तैयार है। इसके पानी को हम छान लेंगे, बोटियों को अलग कर लेंगे। दिखाते हैं, देखिए बोटियों को हमने अलग कर लिया है, एक एक पीस को झाड़कर अच्छे से। और इसका जो स्टॉक है वो रख लिया है। 3 मीडियम साइज की प्याज हमने काट ली है, 6-7 हरी मिर्ची है, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है। और जो ये यखनी वाला लहसुन था, इसका पल्प भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में, इसलिए इसको फेंकना नहीं है, इसका पल्प निकाल लेना है। अब हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और ये मिर्च भी इसमें डाल देंगे। तो यखनी को छोंकते हैं। ये हमने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे और इसे निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से हो गई है। अब हम मसाले लेंगे कुछ बिरयानी को छोंकने के लिए। तो इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च, 2 सिनेमन स्टिक, 3 से 4 लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेजपात के पत्ते हैं, ये सब डाल देंगे। और हल्का सा इसको, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट होने देंगे। फिर इसमें बाकी मसाले डालेंगे जो हमने तैयार किए हैं। इसको हम चलाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ही चलाना है। और इसमें हम अपना गोश्त डाल देंगे, बस गोश्त को मिलाना है। इसको भी हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा ही इसको पकाना है। अब हम इसमें यखनी का पानी डालेंगे जो स्टॉक बचा कर रखा था, वो डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये कभी ना फेंकें। और इसमें हम चावल डालेंगे, चावल डाल दिए हैं। चावल हमने लिए थे 700 ग्राम कच्चा बासमती चावल है। चावल से दुगना पानी डाल देंगे, दोनों पानी मिलाकर चावल से दुगना होना चाहिए। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इसको सिर्फ एक बार ही चलाएंगे इस टाइम पर। उसके बाद हमें बिरयानी को बिल्कुल भी नहीं चलाना है, नहीं तो चावल टूट जाते हैं।
इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ एक बार चलाना है। इधर हमने केवड़ा वाटर ले लेंगे और कलर ले लेंगे, थोड़े से पानी में कलर को घोल दिया है हमने, फूड कलर है ये देखिए। पहले हमने एक उबाल आने दिया था, फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट तक बिरयानी को पकाया था। अच्छे से चावल गल गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि नीचे पानी तो नहीं है, तो देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो अच्छे से बिरयानी भी पक गई है। तो अब इसमें हम कलर डालेंगे, ऐसे जगह जगह कलर डाल देंगे, और केवड़ा वाटर है उसको भी हम ऐसे जगह जगह डाल देंगे। अब लगाएंगे हम इसमें दम कम से कम 15 मिनट के लिए। तो हम कपड़े से दम लगाएंगे, कपड़ा लगाकर ये देखिए हमने दम लगाया है और 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी में से, बिरयानी बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से बनाएं इकरास किचन को। सब्सक्राइब करें, देखिए बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं। हमने हल्का सा ऐसे खोल दिया है, खोलने से ये ऐसे ऐसे रहते हैं, चिपकते नहीं है चावल बिल्कुल भी, तो ऐसे खोलना जरूरी होता है। इसको सर्व कर रहे हैं और इसको प्याज के साथ तो सर्व कीजिए, और चटनी रायते के साथ इसे खाया जाता है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।